हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो अभी यहाँ पे किचन में है, किचन में बना रहा है मनपसंद बेटा और दामाद और सब हम अपने हस्बैंड का फेवरेट। तो ये बैंगन का कलौंजी पेस्ट बना रहे हैं। तो यहाँ है बैंगन का कलौंजी, जो कि कितने लोग इसको भरता बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिसमें तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, तो तेल के लिए इग्नोर कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले मेथी का और मिर्चा का फ़ौरन डाल दिए हैं और बैंगन था तो बैंगन को डाल दिया इसमें। इधर बैठा दिए हैं दाल और लगे हाथ बन जाएगा उसमें। तो यहाँ पे मसाला पीस दिए हैं, मसाला में है जीरा मरीच लहसुन, तो यही मसाला इसमें डालता है और बहुत टेस्टी होता है। कितने लोग इसमें सरसों भी डालते हैं, राई, तो हम सरसों वाला हमारे यहाँ नहीं पसंद है, तो ये अच्छा होता है। इसलिए आज किचन में आए हैं कि बना दे कुछ। और लड्डू के लिए बना है खिचड़ी, वो भी खिचड़ी यहाँ पर बनाए हैं। खिचड़ी लड्डू और छुटकी खाना, तो उन लोग के लिए खिचड़ी बन गया है आज का। यही है, अभी जाएंगे नहाएंगे, नहा के हम लोग को तुरंत निकलना है तिरुपति बालाजी। तो बड़ा सोचे कि बना ये सेम रहरी है, इसको पता ना क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। इसी कट करके बॉयल कर दिए हैं, हाँ वो अलग बनेगा। तो रंगला नहा के आई है, तो अब तैयार व्यार होके आके पूजा करके अपना आटा गूंथ रही है। पूजा आएगी तो चावल दाल फ्राई वगैरह जो भरना होगा करेगा लोग। मिल जुल के हो रहा है और जल्दी से तेजी है, इसलिए सोचे हैं कि किचन में आ जाएंगे तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। हम भी जल्दी जल्दी बोलना सीख रहे हैं। तो चलिए, इसको बहुत कमेंट आया है जल्दी जल्दी पर, जल्दी 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 घर में आ गया है बोलने वाला, इसीलिए हम भी जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। अब आप लोग बने रहिएगा और ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए, इसको डालेंगे पहले हल्दी, नमक, नमक डाल चुके हैं, हल्दी डालेंगे, नमक डाल दिया है, हल्दी डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे मसाला, मिली जुली सरकार बन रहा है खाना। हो जाएगा खाना, मसाला पकेगा आराम से और एकदम अच्छा से अचार के जैसा हो जाएगा ये, तब ये हो जाएगा। अभी गलेगा भी नहीं क्योंकि अच्छे से फ्राई हो गया है। ढकना नहीं है, लगा रहे ही भूनना है इसको, ढकने पर गल जाएगा। चलो लगाओ, फिर लागत नहीं के फोन हमारे नहीं के लागो। हेलो, हाँ प्रणाम, खुश रहे कहाँ रहनी हो? फोन लगाओ तो नहीं लगते नहीं के वही बदल से पैमाल में, तो फिर कोई भैया पर लगाई हो? तो वही बस, तो हम नहीं करते हैं, मीना बनी मीरा बनी से बात भैल रहुआ से बात ना भैल, तो फिर कनी रुक भैया, तो कोई हाली पंक्तिता से कनी अंकिता लगाओ ना मामी के फोन। कहाँ मामी? की पूरा ही परी। तो क्या समाचार बा? ठीक बा, सब समाचार ठीक बा ना? बानी जा श्रेया के लगे। अच्छा, घर मम्मी नहीं खीन? वो कहाँ गड़बड़ी? तो नैहर गड़बड़ी है। कल रामेश्वरम धाम गए थे तो वहाँ से कुछ गिफ्ट लाए हैं खरीद के, जो कुछ गिफ्ट वहाँ से लाए हैं खरीद के सबके लिए, अंशु के लिए और मनीषा के लिए, रंजना के लिए, पूजा के लिए, सबके लिए लाए हैं कुछ ना कुछ वहाँ से खरीद के। तो कल आप लोग ब्लॉग में दिखाएंगे कि क्या क्या हम लिए हैं वहाँ से। और गाइज, आज अंशु आई थी शिवान राखी बांधने, तो अच्छा लगा कि उसको भी पहला राखी था तो अपने मायके आ गई, और मायके आई तो वहाँ सचिन है और मनीषा है, तो अच्छी बात है ना कि एक भाई वहाँ पे है बहन के लिए और एक भाई यहाँ आ गया। तो यही चाहिए भी कि दो जन है तो दोनों जगह जाके बनवा ले। तो अच्छा लगा आज पूजा और प्रिंस दोनों थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, तो उसमें खैर कोई बात नहीं है, मैं आएगा जैसा होगा। तो
पूजा और रंजना और सब लोग घर के सारे लोग आए हैं। हम लोग को भी बोल रहा था लो चलने के लिए, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि क्या है ना कि चलते चलते हमको कल का थकान हो गया है और जाने का मन नहीं था। तो हम बोले कि हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ। तो वो लोग बाहर गया है, अब अपना आएगा लो आराम से घूम फिर के, आएगा लो थोड़ा देर में घूम फिर के, तो फिर हम देखते हैं कल हो सकता है कि तिरुपति बालाजी जाएंगे, तो आप लोग को ले भी चलेंगे वहाँ, देखिएगा बने रहिए। और हाँ गाइस, ननद लोग से भी बात हुई है, तो आज तीन ननद से बात हो गई है। एक बड़ी वाली ननद है जिनका फ़ोन किए थे लेकिन उठाई नहीं है फ़ोन, तो देखते हैं अब कल बात करेंगे उनसे। हम लोग यहाँ पे दो चार दिन रुकेंगे, चूँकि जाना है घूमने, तो सोचे हैं कि हम लोग को जाना है तिरुपति बालाजी, उसके बाद जाएंगे ऊटी, ऊटी घूम के तब ही जाएंगे घर। तो अभी दो चार दिन समय है और हमारा टिकट हुआ है 26 तारीख को, तो 26 तारीख को जन्माष्टमी है, उस दिन हम लोग घर जाएंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा टूर? और फिर इसके बाद तुरंत हमको कहीं और जगह जाना है, घर जाने के बाद 10 दिन के बाद फिर हम लोग का कहीं का टूर है, जो आप लोगों को पता चलेगा। सब लोग बहुत लोग कह रहा था कि आंटी जी आप ही जाइए घूमिए, आप जाइए छोड़िए घर का झमेला, घूमने जाइए। तो देखते हैं, अब हम तो घूमने ही जाएंगे और घर में अब थोड़ा दिन छोड़ देते हैं, इतना दिन से तो घर में बैठे थे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि हम भी कहीं कहीं घूम लें। चूँकि क्या है ना कि ज़िंदगी के कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाएगा कब नहीं, तो समय रहते हुए इंसान अगर घूम फिर लेता है तो सही रहता है, और बाद में जाके मन में ही नहीं होगा कि हम नहीं गए थे घूमने फिरने। तो चलिए आप लोग को भी ले चलेंगे अपने साथ और घुमाएंगे। तो आज हमको आशा है कि आप लोग अपने भाई को राखी बांधी होंगी, गई होंगी बांधने, और सब भाई लोग भी आए होंगे बांधवाने, जो बहन नहीं गई होंगी उनका भाई आए होंगे, और जो नहीं आए होंगे उनको राखी भेजी होंगे। भाई बहन का ये टूर मजबूत होना चाहिए रिश्ता का, तो आप लोग भी अपने भाई को अगर गलती भी किए होंगे तो इस समय माफ़ कर दीजिएगा, और हमें यही भाई लोग को भी बोलेंगे कि बहन से भी कोई गलती सही होता है तो आज के दिन माफ़ कर देना चाहिए और गले मिल जाना चाहिए भाई बहन। ये एक प्यार होता है और इस प्यार में ताकत होती है, तो ऐसा ही करना चाहिए। तो चलिए लेके चलते हैं वीडियो को आगे, अपना ब्लॉग बनाते हैं रोज़ डेली का रूटीन है, तो उस पर भी लोग कमेंट करने वाले करते, तो अपना कंटेंट कुछ होना चाहिए, केवल दूसरे का कंटेंट से अपना काम नहीं करना है। और सावन भादों का मंथ पवित्र मंथ होता है, लेकिन भगवान देख रहे हैं, दुर्गा माँ देख रही हैं, सब कुछ रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, इससे क्या करना है। अगर आप अच्छी हैं तो फिर चैनल खोलने की ज़रूरत ही नहीं, पर जो अच्छा लोग भी है उसको भी कुछ सुनना पड़ता है, बुरा लोग को भी सुनना पड़ता है, तो हमको यहाँ देखिए बन गया, बिल्कुल तेल नहीं है और यहाँ तेल निकल गया कढ़ाई में, और अच्छे से ये मसाला निकाल लेंगे, मसाला बहुत अच्छा लगता है बैंगन से, अच्छा तो मसाला लगता है टेस्टी। तो यहाँ
निकाल दी है और इसमें तेल में बन जाएगा कुछ तो बनाना होगा। सब देखिए एकदम अलग अलग हुआ है और आप लोग भी बना के खा सकते हैं। मात्र 15-20 मिनट में ही हो जाता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। तो गाइस वीडियो को रहने देते हैं, यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार। तो आज काजल नहीं लगाए हैं तो आँख मेरा सूना दिख रहा है, तो इसीलिए ज़रूरी रहता है जो काम कीजिए रोज़ वो रोज़ करना पड़ता है। तो चलिए बाय।